हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ योर सुरुचि राय। सो आज के वीडियो के अंदर हम ए टू लेवल के बुक्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी बुक आप ए टू लेवल की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसको फॉलो कर सकते हो। और इन सभी बुक्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये सभी बुक जो है अमेजोन पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जो है इसको खरीद सकते हो। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं राइट आफ्टर दिस इंटरवल, लेट्स गेट। बुक के बारे में डायरेक्ट जानने से पहले हम बात करते हैं कि ये जो हमारा ए वन लेवल है और ए टू लेवल है उसमें क्या एग्ज़ाम पैटर्न या फिर जो भी हम तैयारी करते हैं उसमें क्या फ़र्क आता है। तो सबसे पहला अगर हमारा ए वन लेवल की बात करें तो वो इस लेवल पे होता है, मतलब उसके अंदर हम बेसिक चीज़ें ही सीखते हैं। ग्रामर टॉपिक भी हमारा बहुत बेसिक सा होता है, लेकिन अगर हम ए टू लेवल की बात करें तो ए टू लेवल के अंदर काफ़ी चीज़ें बढ़ जाती है। जो जो आपने ए वन लेवल में पढ़ा है उसका थोड़ा एडवांस वर्जन हो जाता है ए टू में जाते जाते। और ए वन में जो है आप में भी थोड़ा बहुत वोकैबलरी को निगलेक्ट कर सकते थे, इतना मैटर नहीं करता था। बट अगर आप ए टू लेवल में आ चुके हो और उसकी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको वोकैबलरी पे ज़्यादा ध्यान इस बार देना होगा, क्योंकि अगर वोकैबलरी नहीं करोगे आपकी ग्रामर बहुत वीक हो जाएगी। तो इसलिए अगर हमारा ए वन लेवल यहाँ पर है तो हमारा ए टू यहाँ पर, और इनके बीच का ये गैप हमें कवर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम राइट बुक से पढ़ें। अदरवाइज़ हम जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, किसी बुक में बहुत ही ज़्यादा टॉपिक है जो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं कहीं बहुत कम है, ऐसा भी हो सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ बुक्स बताऊंगी जो कि आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। मैंने खुद यूज़ की थी अपने ए टू लेवल के एग्ज़ाम के लिए। बुक्स के नाम जानते हैं। जो हमारी फर्स्ट बुक है वो है नेटवर्क्स की बुक। ये आपने ए वन लेवल में भी देखा था कि मैंने नेटवर्क्स ही प्रेफर किया था। इसका रीज़न ये था कि ये जो बुक है या साइंस से लेके बेस वाई यानी ए वन से लेके बी टू तक है, और अगर आप एक ही बुक से पढ़ते हो उसका पैटर्न काफ़ी अच्छा आपको समझ आता है। और इस बुक की खासियत ये है कि इस बुक के अंदर हर चीज़ जो है काफ़ी वेल एक्सप्लेन्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड है। इस बुक को जो है आप अमेज़ॉन से परचेस कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब ये आप बुक खरीदोगे इसमें आपको चार बुक्स मिलेंगी। पहली है ये कोर्स बुक, दूसरा ये आपको एक ग्लॉसरी मिलेगा जो कि जो है वोकैबलरी पार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, तीसरा आपको ये क्वेश्चन पेपर टाइप मिलेगा, मतलब जिसको हम प्रोफोंग्स ट्रेनिंग कहते हैं, ये पूरा एक क्वेश्चन पेपर ही है प्रैक्टिस करने के लिए, और चौथा है एज ऑलवेज अरबाइट्स बुक। सो ये चारों बुक्स जो है ये प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छी है। हर एक बुक में अपनी खासियत है। जैसे अगर हम कोर्स बुक की बात करें तो कोर्स बुक के अंदर स्टार्टिंग में तो ये चैप्टर्स है वो इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, और साथ में हर एक चैप्टर के बाद आपको चैप्टर के एंड पे कुर्ट सुनक्लार मिलेगा जिसके अंदर की ग्रामर टॉपिक होते हैं। ये जो है काफ़ी आपको हेल्प करेगा ग्रामर टॉपिक्स को समझने में अच्छे से, और इन सब के सॉल्यूशंस की बात करें तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। और इस बुक के अंदर जो चैप्टर्स होते हैं वहाँ पर बहुत अच्छी रीडिंग प्रैक्टिस के लिए ईमेल राइटिंग, पैराग्राफ, ये सारे होते हैं। वैसे तो मैं अपनी वीडियोस में उनको समझाती हूँ, बट जब आप मेरी वीडियोस से उनको समझ लो तो क्या ट्राई करो खुद भी उसे समझने की, इससे जो आपकी बेटर प्रैक्टिस होगी। फिर भी अगर ना समझ आए तब मेरी वीडियो देखो, फिर दोबारा ट्राई करो। और साथ में आप अलग अलग वेबसाइट्स की मदद ले सकते हो, और अगर आप किसी वर्ड का आर्टिकल ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो dict.cc वेबसाइट है, वहाँ से उन वर्ड्स के आर्टिकल ढूंढ सकते हो। और नॉर्मल वर्ड ट्रांसलेशन की बात करें तो वो तो अपना गूगल ट्रांसलेटर है ही, वहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हो। तो इस बुक के अंदर अगर हम बात करें तो काफ़ी चीज़ें अच्छी है, काफ़ी वेल प्रेजेंटेड है। और कोर्स बुक है और हमारा अरबाइट्स बुक है, दोनों बुक के एंड पे आपको एक दो दो CD मिलेगी, और इन CD से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी लिसनिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी, तो इसलिए आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और कुर्स सुनक्लार तो है इस बुक में, लेकिन इस बुक की अगर लास्ट की बात करें तो एकदम एंड पे जो है ग्रामर टॉपिक्स है, जो कि पूरी बुक में जो जो इम्पोर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स है सभी इन्होंने एक साथ दे रखी है एट द एंड। और बीच बीच में इन्होंने काफ़ी सारे गेम्स भी दे रखे हैं जो आप चाहो तो ग्रुप में प्ले कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ ग्रामर टॉपिक आप एंड से देख सकते हो, कुर्स सुन क्लास सेक्शन से भी देख सकते हो। और अगर हम वोकैबलरी की बात करें तो वोकैबलरी के लिए इस बुक के अंदर अल्फाबेटिकल वाइज वर्ड लिस्ट मिल जाएगी, तो आप चाहो तो वर्ड लिस्ट इस बुक से कर सकते हो, कुछ बुक से नहीं तो इन्होंने अपनी एक बुक दी है ग्लॉसरी। इसके अंदर जो है ये फ़र्क है कि कुछ बुक के अंदर आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन खुद करना होगा, और इस वोकैबलरी बुक के अंदर जो आपको ऑलरेडी इंग्लिश ट्रांसलेशन मिल जाएगा, तो इसमें आपको कष्ट नहीं करना पड़ेगा। और साथ में एक बात, जो हमारा कोर्स बुक है उसके अंदर आपको जो है
अल्फ़ाबेटिकल वाइज वोकेबलरी लिस्ट मिलेगी, लेकिन जो हमारा ये ग्लॉसरी है जिसके अंदर आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। अरवाइट्स बुक, अरवाइट बुक की हम बात करें तो अरवाइट्स बुक के अंदर जो है इन्होंने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस दे रखी है कि जो भी आप कुछ बुक से पढ़ते हो उनको अरवाइट्स बुक में प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ में अरवाइट्स बुक में हर एक चैप्टर के एंड पे आपको वोकेबलरी मिल जाएगी, तो मतलब वोकेबलरी की तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको अरवाइट्स बुक में भी मिल जाएगी, कोर्स बुक में भी मिल जाएगी, ग्लॉसरी बुक तो है ही, तो आप जहाँ से चाहो वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन ट्राई करना हर जगह से एक साथ मत करने लग जाना, वरना कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो स्टार्टिंग में सिर्फ या तो ग्लॉसरी यूज़ कर सकते हो क्योंकि उसके अंदर तो ऑलरेडी मीनिंग के साथ लिखे हुए हैं वर्ड्स। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे ये नेटवर्क का क्वेश्चन पेपर, जो कि लेकिन ये क्वेश्चन पेपर आपको डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपने ए टू लेवल का सारा पढ़ लिया है, ग्रामर टॉपिक्स वगैरह अच्छे से, तो देन आपको सबसे पहले कुछ इजी क्वेश्चन पेपर ट्राई करने चाहिए। चाहे तो आप गोथे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से ट्राई कर सकते हैं, या अगर जो बच्चे गोथे इंस्टीट्यूट वाले नहीं हैं, नॉर्मल DU या और किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, तो अपने कॉलेज की जो भी पर्टिकुलर उनकी या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ से जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें और पहले उनको प्रैक्टिस करें, देन इसको लास्ट में करें। इस बुक जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है गोथे इंस्टीट्यूट की बुक फिट इन डॉयच A2। ये बुक भी काफ़ी अच्छी है प्रैक्टिस के लिए। ये मेनली अगर आप जो थोड़े बच्चे और प्रैक्टिस कर रहे हो देन ये बुक ज़्यादा प्रेफर मैं करना चाहूँगी। अगर आप छोटे जैसे 18 साल से नीचे हो या 16 साल से नीचे हो तो आपको जो है डायरेक्ट नेटवर्क पे मैं भी ना जंप करना चाहिए, वो थोड़ा आपको मुश्किल लगे। इसके अंदर आप जो है फिट इन डॉयच से स्टार्ट कर सकते हो। इसके अंदर आपको जो भी सैम्पल पेपर्स मिलेंगे वो मॉडरेट लेवल पे, और जो भी नेटवर्क से भी कर रहे हैं अगर वो उनको और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो नेक्स्ट आप बुक ये फिट इन डॉयच A2 खरीद सकते हो और उसमें जो भी सैम्पल पेपर है उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट बुक है जिसके अंदर कि आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, उस बुक का नाम है मिट एंड फॉल गोथे सर्टिफिकेट A2। अंदर जो आपको 4 मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे, और इस इन जो भी वीडियो में बता रही हूँ बुक्स, इन सभी बुक का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और ये जो बुक है इसके साथ आपको जो है CD मिलेगी अगेन, यानी लिसनिंग स्किल की भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप अपना फिट इन डॉयच के सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेंगे या फिर आप ये जो बुक बताई मैंने इनसे सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेंगे, तो देन आप ये जो नेटवर्क बुक के साथ मिला है सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने को वो कर सकते हैं। क्योंकि ये स्टार्टिंग में अगर आप डायरेक्ट करने लग जाओगे मे भी थोड़ा मुश्किल लग सकता है और डिमोटिवेट हो सकते हो, तो ये हमें नहीं होना, तो इसलिए हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपके पास पैसे नहीं है कि आप इतने सारे मॉडल टेस्ट पेपर के लिए बुक्स खरीद सको, आप चाहे तो अपनी जैसा कि मैंने बताया कॉलेज की वेबसाइट से ले सकते हो पुराने सैम्पल पेपर। अगर वहाँ नहीं मिलते तो आप गोथे इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हो, क्योंकि हमारा मेन फोकस है कि हम जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उस पे फोकस करना है, ना कि पैटर्न पे। हमें पैटर्न तो अपना पता चल ही जाएगा एग्ज़ाम से पहले, लेकिन जो टॉपिक्स है वो चाहे वो गोथे इंस्टीट्यूट हो या सर्टिफिकेट एग्ज़ाम हो, उनके टॉपिक तो सेम ही होते हैं। तो हमारा मेन मकसद है कि हमें कहीं से भी प्रैक्टिस करने को बस मटेरियल मिल जाए। ये तो बात हो गई हमारे बुक्स के बारे में, अब हम कुछ A2 लेवल के लिए टिप्स की बात करते हैं। सबसे पहली टिप है कि आप अपनी जो वोकैबुलरी है और जो आपका बाकी रिटन पार्ट है जैसे पैराग्राफ, ऐसे राइटिंग और ईमेल वगैरह, इनके लिए अलग अलग नोटबुक बना लें। जैसे चाहे तो आप एक रजिस्टर राइटिंग सेक्शन के पार्ट के लिए बना सकते हैं, जिसके अंदर आप ऐसे राइटिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन, ईमेल वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा, आप चाहे तो एक और डायरी बना ले या फिर आप ऐसे स्टिकी नोट्स ले सकते हैं और उसके अंदर अपने वोकैब्स जो है इसके अंदर लिख सकते हैं। ये मे भी ना दिख रहा हो, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने वोकैबुलरी लिस्ट अपनी बना रखी है। और अगर आपको लगे कि ये कहीं खो सकते हैं तो आप इसको जो है अपने जिस डायरी में आप अपना राइटिंग सेक्शन कर रहे हो उसके एंड से जो है ऐसे अपनी पेस्ट करके शुरू कर सकते हैं लिस्ट। इससे आपको जो है वोकैबुलरी काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगी। मेन हमारा फोकस ये रहना चाहिए कि जैसे मर्जी हमें वर्ड्स याद हो। अगर आपको सिंपल लिख के याद हो रहा है लिख के करें, अगर देख के याद हो रहा है बोल बोल के देख के याद करें, जो भी करें, लेकिन हमें याद करना है। नेक्स्ट A2 के लिए टिप ये है कि आपको जो मुडाल वर्ब है उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना है, क्योंकि पूरे A2 में मुडाल वर्ब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी वर्ब कंजुगेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, ये सारे हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। और साथ में मोडल वर्ब जो है वो हमारे स्पीकिंग स्किल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आपको अपनी कमांड जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी करनी है। नेक्स्ट एंड फाइनल टिप ये है कि जब भी आप राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करें तो हमेशा सिंपल सेंटेंस बनाएं। A2 के अंदर आप काफ़ी नए वर्ड सीखेंगे, वाइल
और बिकॉज ये सब वाइल दास बिकॉज मतलब जो भी ये कॉन्शंस वर्ड्स होते हैं, तो इससे आपको लंबे सेंटेंस बनाने के लिए सिखाया जाएगा। लेकिन जब भी रिटर्न पार्ट की बात आए, आपको ईमेल राइटिंग करना हो या कुछ भी, तो जितना हो सके छोटे और सिंपल सेंटेंस का यूज़ करें, क्योंकि अगर सेंटेंस छोटा होगा सिंपल होगा उसमें मिस्टेक कम निकलेगी, और मिस्टेक कम निकलेगी तो मार्क्स ही नहीं कटेंगे, या फिर क्या पता मार्क्स कम कटे, क्योंकि लंबे लिखोगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर याद नहीं आएगा हमें वर्ब बीच में लगाना है, एंड में लगाना है, मोडल वर्ब कहाँ रखना है, तो ये जो है बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसलिए यही मेरी सजेशन है कि सिंपल और छोटे सेंटेंसेस बनाइए, ताकि जो है मार्क्स की बरसात होए। तो बस ये तो थे मेरे टिप्स और बुक्स के बारे में। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप जो है कौन सा बुक खरीदने वाले हैं, और अगर ऑलरेडी खरीद चुके हैं तो कौन सी बुक से तैयारी कर रहे हो, और अगर आप ए टू की नेटवर्क बुक लेने वाले हैं तो उसके जितने भी कोर्स बुक है उनके सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जल्द ही अरबाइट्स बुक की भी वीडियो स्टार्ट होने वाली है। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, आपको इसमें दी हुई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जर्मन लर्नर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय, चीयर्स।